अमरदीप जी सांझा पंजाब तुहाड़े अपने शो दे उत्ते जी आयां सत श्रीकाल सत श्रीकाल बॉब जी सुन ते देखण वाले सारे सोते नूं प्यार भरी सत श्रीकाल जी की हाल चाल है तुहाडा बहुत वधिया जी ठीक ठाक जी ते लोग बेसब्री नाल इंतजार कर रहे ने जिहड़े बाहर इत्थों पी आर लैके जिहड़े लोग चले गए सी ना हाँ जी उन्होंने पी आर सीगा बट वह किसी कारण करके इंडिया बहुत लंबा समा उन्होंने रहना पै गया हाँ जी ते लोग सोचते सी कि उन्होंने पी आर एक्सपायर हो गया ते ओ लोग जिहड़े ने ओ किस तरह दुबारा कैनेडा विच एंटर हो सकते हैं देखो जी जे तां तुसीं आप दी जिहड़ी पी आर है जी जे तां तुसीं पी आर विदन कैनेडा लई हुई है ते तुहानूं वापस मुल्क दे विच एंट्री वास्ते तुहानूं ज्यादा पी आर कार्ड की जरूरत होंदी है ते जां तुहानूं ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत होंदी है जे तां तुसीं पी आर इत्थों लैके गए हो तुसीं ओ डॉक्यूमेंट नूं लैके अपने नाल कैनेडा दे विच तुसीं प्रवेश कर सकते हो जिस तरह जो हम अभी अपने भारत मुल्क की गल करते हैं जिथे अभी देखा भी हजे तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जड़ियां ने लगिया हुई ने सीधे तुम भारत मुल्क तो कनेडा नहीं आ सकते नहीं आ सकते सो जब वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाए सीधे भी आ सकते हो बट आप पिछले समय के देखा भी बहुत ज़्यादा परिवार जोड़े ने थ्रू मैक्सीको के थ्रू कैनेडा के आ रहे हैं सो उस तरह भी वो आ सकते हैं जी सो उन्होंने को ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो उन्होंने को पी आर कार्ड होना चाहिए यह जे कई अपने परिवार ने जिन्हों की पी आर जी सी वो इंडिया बैठिया की आई जिस तरह कोई स्पाउजल हो सकता है उन्होंने उत्थे पी आर आ गई सीओ पी आर आ गया बट वो इंसान का जो डॉक्यूमेंट है जी वो पी आर के तब्दील उस वेले होंगे जिसलिए वो इत्थे कैनेडा दे विच लैंड हो जांदा ओके सो जिन्हों उत्थे पीआर मिलिया उन्ना चिर नहीं कोई हां जी जब तक वो पीआर लैंड नहीं हुंदे जब तक लैंड नहीं हुंदे जब तक उस डॉक्यूमेंट्स दे उत्ते इत्थे आके इमीग्रेशन ऑफिसर दे तुहाडे सामने साइन नहीं हुंदे ओके तुहाडे कोल साइन करवाउंदा है तुसीं वो ऑफिसर साइन करदा है फिर तुहाडी जिहड़ी पीआर है जी वो लैंडिंग दे नाल ही पूरी हुंदी है ता ही सरकार ने जी 23,000 लोग सन जिन्हां दी सीओ पी आर जिन्हों आपां कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसीडेंस कहने आ वो उन्हां दे कोल सीगी बट वो जिहड़ा डॉक्यूमेंट सीगा वो उहदा कोई भी जिहड़ा पी आर दे विच तब्दील होण दा समां जिहड़ा सी लम्मा पै चुकिया सी वो डॉक्यूमेंट्स कईआं दे एक्सपायर भी हो चुके सी उन्होंने उस तुहानूं डॉक्यूमेंट्स नूं रिन्यू कीता क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो मार्च 2020 तो हुण तक कितने साल तो उपर समा हो चलिया तो उन्होंने हुण सरकार ने अलाउन कर दिता है भी तुसीं हुण अपने डॉक्यूमेंट्स लैके तुसीं कैनेडा दे विच एंटर करो तुहाडी जिहड़ी लैंडिंग है एयरपोर्ट दे उत्ते कीती जाएगी तो तुहाडी जिहड़ी पी आर है वो पूरी जिहड़ा उहदा इक स्टैप फिनिश करन वाला हुंदा पी आर दा लैंडिंग दा वह हुण टोरंटो दे एयरपोर्टां दे उत्ते होवेगा जी कोई कई बहुत सारे लोग इतों गए हुए थे किसी कारण करके वो 6 महीने का समा होंदा खड़ा ना तो उन्होंने 6 महीने तो बाद उत्थे रहना पै गया तो कई ना तो साल साल हो गया उन्होंने पी आर एक्सपायर हो गए वो बंदे भी कितना एंटर हो सकता जिन्हों की देखो जिन्हों का पी आर कार्ड जिहड़ा है जी तो वह 5 साल वैलिड होंदा है जे तो किसी का पी आर कार्ड एक्सपायर हो गया जी उन्होंने अपनी जी कैनेडियन कौंसलेट हैगी न्यू दिल्ली के उत्थों उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पैंदा उत्थों ट्रैवल डॉक्यूमेंट लैके फिर वो कैनेडा के दुबार तो एंटर कर सकते हैं ओके हाँ जी स्काई इमीग्रेशन का नंबर 6472970968 अमरदीप उन्होंने कॉल कर सकते हो किसी भी जानकारी वास्ते 6472970968 की स्टूडेंट वीजे हुण भी मिलते ने लोगों स्टूडेंट वीजे जिहड़े ने जी वो जरूर मिलते ने इस वेले सरकार ने रीसेंटली जिहड़े बायोमैट्रिक्स जिहड़े स्टूडेंट्स दे नहीं सी हो रहे वो हुण स्टार्ट हो गए ने जी सो हुण जिहड़े स्टूडेंट्स ने जी वो आपदे बायोमैट्रिक्स जिहड़े ने वो करवा सकते ने सो बहुत जल्द तुसीं वेखोगे भी जिहड़ा जनवरी का सैशन होगा कनेडा दे विच पढ़ाई का उहदे विच अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट जिहड़े ने वो आने शुरू हो जाएंगे ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 70-75% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਓਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
विजिटर वीजे जड़े ने जी टूरिज्म जड़ी है वह खुल सकती है। सो उस वेले तक जिहड़ियां अपनी कैनेडियन कौंसलेट्स ने जी जे आपां अपने भारत मुल्क की गल करते हैं सो लगता यह भी है भी हौली हौली जी अपनी कैनेडियन कौंसलेट आई वह वर्क करना शुरू कर देगी। सो जो विजिटर वीजे ने जी वह भी दोबारा तो फिर शुरू हो जाएंगे। इस नाल नाल इमीग्रेशन दे विच कुछ तब्दीलियां आ रहे हैं बहुत छेती। हाँ जी, तो कड़ी तब्दीलियां आ सकदियां ने तुहाडे साहब? देखो जी, जिहड़ा साल 2021 सीगा जी, जद तो यह साल शुरू होया वधिया रहा, बहुत वधिया रहा जी। इमीग्रेशन पक्खों जिहड़े लोग इत्थे सीगे, जिहड़े लोग इस वेले इस मुल्क दे विच सीगे, जिन्हां दे विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरन वर्करस सीगे, ईवन फैमिलीज़ की आपां गल करिए, सो इमीग्रेशन का जिहड़ा टीचा है जी 4 लाख का टीचा सरकार ने ऐलान किया भी असीं 4 लाख लोग 2021 4 लाख लोग 2022 4 लाख लोग 2023 असीं पक्के करने ने। सो उहदे विच तुसीं देखो भी इत्थे जिन्ने लोग मौजूद सी, जिन्हां लोगों के रेफ्यूजीज के केसिस सीगे, जिहड़ा नंबर 23,000 सीगा उहनूं हुण 40,000 कर दिता गया। ओके, ते उत्थों जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट सीगे उहनां नूं 90,000 लोगों नूं पक्के करन दा ऐलान किया गया। उत्थों एक्सप्रेस एंट्री जिहदे अधीन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास दे विच किन्ने ही जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट सीगे जां फॉरन वर्कर सी जिन्हां दी प्रोफाइल्स बणियां होईयां सीआं, उहनां नूं पीआर दा मौका दित्ता गया। हुण अद्धा साल निकल चुल्लिया जी, अगले हुण जिहड़ा समां हैगा इहदे विच भी हुण बहुत वड्डियां न्यूज़ आउण दी आस है। किते ना किते न्यूज़ इह वी है भी जिहड़े पेरेंट्स दीआं ग्रैंड पेरेंट्स दीआं एप्लीकेशनां हुंदीआं ने उह दुबारा तो खुल्लण दी आस है। उहनां दे नंबर जिहड़े ने जी उह किते ना किते 20,000 तो 30,000 नंबर होण दी आस हैगी है। इमीग्रेशन जिहड़ी है जी उह वध तो वध जिहड़े इस वेले इस मुल्क दे विच मौजूद ने जी लोग उहनां नूं पीआर देण दा तैयारी करके बैठी है जी। जो कोई व्यक्ति कोई स्टेटस है ही नहीं, हाँ जी, और रिफ्यूजी है, हाँ जी, मिसाल के तौर पर जो रिफ्यूजी भी है जो स्टेटस नहीं है, हाँ जी, कि वो लोग जो रिफ्यूजी लोग ने पी आर अप्लाई कर सकते? देखो जी, जो रेफ्यूजी स्टेटस है जी वो स्टेटस ही होंगे। सो जो इंसान ने रेफ्यूजी स्टेटस लाया होया उसकी अपनी एक अर्जी एप्लीकेशन चल रही है। सो जिदा मैं तुम्हें दस्या भी सरकार वालों ऐलान किया गया सी भी असी कितना कितने 23,000 रेफ्यूजी जड़े ने उस स्टेटस वाले लोगों नूं असी इस साल पक्के करांगे, उस नूं वधा के 40,000 कर दिता गया। सो उहदे विच तुसीं वेखो भी जिन्हें रेफ्यूजीज ने हैल्थ केयर दे विच काम किया उन्हां दी जिहड़ी देखो पी आर संभव हुई, उन्हां नूं एक साल का एक्सपीरियंस शो करके उन्हां दी आपदी जिहड़ी पी आर दी अर्जी है वह ला सके। सरकार वालों ओंटारियो सरकार वालों फोर्ड सरकार वालों एक बहुत वधिया मौका दिता गया भी जिहड़े लोग इस वेले आउट ऑफ स्टेटस ने बट वह पिछले 5 सालों के दौरान इत्थे कंस्ट्रक्शन दे विच उन्होंने काम किया, जे अज उन्हां दा इत्थे कोई जी है, कोई परिवार का जी है जां उन्हां दा खुद का परिवार है, बच्चे ने इत्थे बॉर्न होए ने, उन्हां नूं पी आर का मौका दिता। दूजे पासे ट्रूडो सरकार है जिहड़ी, उन्होंने भी वध तो वध मौका दे के जी ये जिहड़ियां चीज़ां ने इहनूं पी आर नूं जिहड़ी हैगी ने जी आउट ऑफ स्टेटस जिहड़े लोग ने उन्हूं मौका दिता भी जिहड़े आउट ऑफ स्टेटस ने जी लोग तुसीं 31 अगस्त 2021 तो पहला पहला आपदी अर्जी ला सकते हो जे तुसीं 30 जनवरी 2020 तो बाद आउट ऑफ स्टेटस होए हो। हुण की हुंदा कि कोई व्यक्ति पक्का हो गया, ठीक है, हर एक व्यक्ति चाहुंदा कि मेरी फैमिली इत्थे होवे, हाँ जी, जदों कोई व्यक्ति नूं पी आर मिल जाता फिर वह किन्ने समय बाद की प्रोसीजर है अपने माँ बाप को स्पोंसर कर सकते? देखो जी, जे आप एक छोटी जी एग्जाम्पल लें, जे तुम अज गल करिए भी जून 2021 पी आर हो गए, तुम अज पी आर हो तो उधरों सरकार जुलाई के लॉटरी सिस्टम खोले माँ बाप के वास्ते, तो तुम जिदन तुम लॉटरी सिस्टम के अपना नाम पाना है उदन तुम पी आर होने चाहिए हो, तुहाड़ी पिछले 3 सालों की जिहड़ी इनकम है जी वह काउंट हुंदी है, तुसीं इस मुल्क दे विच वर्क परमिट ते सीगे पिछले समय दौरान, तुहाडे कोल ऑबवियस गल है तुहाडे कोल इनकम बनी होवेगी। सो तुसीं आपदी जिहड़ी माँ बाप की एप्लीकेशन है लॉटरी सिस्टम दे विच ते थ्रू ला सकदे हो। हुण कोई व्यक्ति बैठा पंजाब च है वह सोचता वो मन च है कि मैं ना तो विजिटर जाना, हाँ जी, ना मैं स्टूडेंट वीजे पर जाना, हाँ जी, मैं पूरे परिवार के नाल एज ए पी आर कैनेडा जाना, हाँ जी, कि उत्थे बैठे बिठाए लोग किस तरह पी आर अपलाई कर सकते? देखो जी, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स ने जिदे आपके जो स्किल्स ने जे थोड़े को जिस मुल्क मौजूद हो तो पढ़ाई लिखाई तो स्किल्स जड़े ने जे कैनेडा दे किसी भी प्रोविंस के स्किल्स की डिमांड मनी जाती है तो तुम उत्थों बैठे बिठाए तुम एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम के अधीन, तुम प्रोविजनल नॉमनी प्रोग्राम के अधीन, तुम अटलांटिक पायलट प्रोग्राम एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोग्राम सीगा अधीन हुण भी हैगा ऑल उस प्रोग्राम अधीन बहुत ज़्यादा परिवार जिहड़े ने जी
उत्थे बैठे बैठे इस वेले मुल्क दे विच जिन्हां दी एप्लीकेशन लगी ने जां बतौर पी आर दे तौर दे उत्ते कनेडा दे विच आए ने ते तुहाडे नाल किदां कॉन्टैक्ट कीता जा सकदा तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो जी साडे ऑफिस दा फोन नंबर 416-674-0009 तुसीं सानूं विजिट कर सकदे हो साडा एड्रेस हैगा जी 7003 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट यूनियन नंबर 5 टोरंटो इटबिको दे विच पैंदा जी तुसीं मैनूं कॉल कर सकदे हो मेरा फोन नंबर 6472970968 मेरे साथी रवि होना तुसीं कॉल कर सकदे हो जिन्हां दा फोन नंबर 6479802014 अमरदीप जी साडा जानकारी सांझी करन दा तुहाडा बहुत धन्नवाद बहुत धन्नवाद जी बाबू जी सारे नूं सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल